नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत शर्मा है। आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम लोगों के यूट्यूब चैनल पर 1300 से ज़्यादा स्कूल सेमिनार के, वर्कशॉप के, टीवी चैनल्स के, बच्चों के, पूरे इंडिया के 25 स्टेट और 13 कंट्री के वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आज हम हमीरपुर, हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक बहुत रेपुटेड स्कूल डायमंड पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। आज हमने यहाँ पर DMIT और मिड ब्रेन के ऊपर सेमिनार किया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा और सभी सेमिनार के अंदर सभी पेरेंट्स मौजूद थे, और जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हम स्कूल के जो सुनील सर, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्हीं के सहयोग से ये सेमिनार जो है सक्सेसफुल हो पाया, उन्हीं के सहयोग से जो है कंसेप्ट पेरेंट्स तक पहुंच पाया, तो उसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं। सभी पेरेंट्स से हम एक एक मिनट का उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर सर भी इस सेमिनार में मौजूद थे, जिनके ज़रिए हम लोग यहाँ स्कूल के अंदर ये कंसेप्ट सभी लोगों को बता पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर का एक मिनट का एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करें कि सर इस प्रोग्राम के विषय में क्या सोचते हैं और बच्चों को इस प्रोग्राम से क्या बेनिफिट हो सकता है, फिर हम पेरेंट्स के पास चलते हैं। प्लीज़ सर। धन्यवाद टीम 360 का, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे स्कूल डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा में आए हुए हैं। तो ये जो हमारे स्कूल में आज इन्होंने सेमिनार किया, ये बहुत ही अच्छा सेमिनार लगा मुझे भी, और जो भी सारे माता पिता यहाँ स्कूल में गार्डियंस आए हुए हैं उन सभी को ये बहुत अच्छा लगा। और इस प्रोग्राम के बारे में जो भाई जी ने बताया, सभी माता पिताओं जो बच्चों के आए हुए हैं उन्होंने इसको बहुत ही अच्छा माना है, और ये अपने बच्चों को इस प्रोग्राम के तहत जो फैसिलिटी मिलेगी बच्चों को, जो उनका यहाँ सेमिनार करवाया जाएगा, उसके लिए सभी पेरेंट्स तैयार हैं। तो मैं टीम 360 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे यहाँ स्कूल में आए। तो लो सर, थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर सर, जैसा आपका सहयोग है, और हम लोग भी कमिटमेंट करते हैं कि भाई जब जो चीज़ें विपुल सर ने सेमिनार में बताई है वो सारे बेनिफिट बच्चों को मिलते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले। अभी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पेरेंट्स से आग्रह करूँगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक मिनट आपसे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश है, मैं सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी हूँ, और मैंने यहाँ पे देखा, मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखता रहता हूँ, लेकिन जहाँ पे ये आज जो यहाँ पे शेयरिंग हुई है काफ़ी अच्छी लगी। इसका फ्यूचर भी मेरे को समझ आया कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम बच्चों को इसके बारे में ये बात करें कि यहाँ पे ऐसी जैसी जो प्रैक्टिस है वो की जाए या ट्रेनिंग है वो की जाए, शायद आने वाले दिनों में हमारे लोगों को लाभ मिल सकता है। मैं टीम 360 का थैंक्सफुल हूँ कि वो उन्होंने समय दिया और आप यहाँ पे आए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। और बिल्कुल यहाँ बच्चों को लाभ मिलेगा, जिस तरह से कंसेप्ट का लाभ और जगहों पे भी सभी बच्चों को मिल रहा है, तो हिमाचल के बच्चों ने कोई अपराध तो किया नहीं, उन्हें भी इस कंसेप्ट का लाभ मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे लाभ मिलेगा। मैं मैडम से आग्रह करूँगा कि अपना शुभ नाम बताएँ। मेरा नाम आरती, मेरा बेटा 3rd क्लास में पढ़ता है, और मैं चाहती हूँ कि वो भी जो वर्कशॉप हमने अभी लगाई है उसके बेनिफिट्स हमारा बेटा भी उठाए। और वो थोड़ा सा शर्कर है, स्लो राइटर है, और जैसे मेरी सर से बात हुई है उन्होंने बोला है कि वो सारा रिमूव हो जाएगा उसका, तो जल्दी से जल्दी वर्कशॉप स्टार्ट करें। थैंक यू, थैंक यू मैडम। जल्दी क्लास स्टार्ट होएगी, आप भी लोगों के परमिशन से ही हो पाएगी। प्लीज़ सर, सर का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयदेव शर्मा है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। तो मैं टीम 360 का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया, और ये बच्चों के लिए बड़ा लाभदायक है और बच्चों के फ्यूचर की कोई संवारने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम से आग्रह करेंगे, मैडम अपना शुभ नाम बताएं और मैडम का क्या एक्सपीरियंस है। मैडम ने काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आई एम डॉक्टर संगीता ठाकुर। आज जैसी भी वर्कशॉप जो हमने अटेंड की है काफ़ी अच्छी रही है, और जैसे कि विपुल सर ने हमें जो चीज़ें बताई सुनने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और लगता है कि बच्चों को इसका काफ़ी बेनिफिट जो है फ्यूचर में मिल सकता है। जैसे कि आजकल सब देख रहे हैं योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों का काफ़ी ट्रेंड है। जैसे आजकल मतलब मेडिटेशन से बोलते हैं कि मेंटल जो है बच्चे का हम ग्रो कर सकते हैं, मेंटल पावर, तो उसी से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैं उससे थोड़ा बेटर होगा रादर ये, जैसे कि सर ने बताया कि इस वर्कशॉप से हम काफ़ी बच्चों का फ्यूचर जो है वो काफ़ी, हमें सर ने बताया एक टेस्ट होता है जिससे कि हम बच्चों का फ्यूचर भी थोड़ा सा आइडिया, एग्जैक्ट फ्यूचर तो नहीं खैर पता कर सकते, पर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो किस तरफ को उसका इंटरेस्ट है। तो हम बड़े ईगर हैं कि कब ये वर्कशॉप स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को ये वर्कशॉप करवाना चाहेंगे।
थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हम मैडम से आग्रह करेंगे, आपका शुभ नाम और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम अंजू सरोहा है और मेरा बेटा फर्स्ट में पढ़ता है। जहाँ तक बच्चों के बेनिफिट की बात है तो पेरेंट्स तो कभी भी मना नहीं करेंगे, इसलिए मैं भी इस बेनिफिट का हिस्सा बनूंगी अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। चलो थैंक यू। जैसा मैडम ने कहा भाई, पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे बच्चों के बेटरमेंट के लिए, तो उन्होंने सारी बात शॉर्ट में बता दी। अभी मैडम से आग्रह करते हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ता है तो मैं भी चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा यहाँ पे ये क्लास अटेंड करे। वर्कशॉप में जो बताया वो बहुत अच्छा लगा, उसके माइंड डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए अगर अच्छा है तो फिर ठीक है, हम भी ज्वाइन कराना चाहते हैं क्लासेज उसकी। थैंक यू। थैंक यू मैडम। प्लीज़ मैडम। हेलो, माईसेल्फ एकता बेंस, प्रिंसिपल डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा। जैसे ये पेरेंट्स सभी बोल रहे हैं, इन सब का तो वो एक एक या दो दो चाइल्ड हैं, दो बच्चे हैं, लेकिन स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। वी आर बेसिकली द सेकंड पेरेंट्स एंड दिस स्कूल इज़ अ सेकंड होम फॉर दिस चिल्ड्रन। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो वर्कशॉप हुई है, ये जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे बच्चों के लिए रखी गई है, तो इसका बेनिफिट मेरे स्कूल के हर बच्चा जो है वो बेनिफिट ले सके। और आई विल नॉट से कि ये सिर्फ माइंड डेवलपमेंट के लिए, बट इट इज़ फॉर अ ओवरऑल डेवलपमेंट ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, तो उनको एनहेंस करने के लिए। तो मैं अपने पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वर्कशॉप को अटेंड करें, बच्चों को अटेंड करवाएं, ताकि इन फ्यूचर हमारे जो डायमंड स्कूल के बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें और फ्यूचर में वो कहीं भी जाएंगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो और वो डायमंड का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, सोसाइटी का नाम, इवन अवर कंट्री जो है, हमारी देश का नाम भी जो है बच्चे रोशन करें। थैंक यू टीम 360, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैडम। जैसा मैडम ने कहा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसलिए हमारे कंसेप्ट का नाम भी ब्रेन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ हो सके। हेलो, मेरा नाम परवीन है, मेरा बेटा भी यहाँ पे पढ़ता है। हम फर्स्ट टाइम ही टीम 360 से मिले हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि सब पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ का लाभ उठाएं। थैंक यू। इस सर से आग्रह करेंगे, सर अपना शुभ नाम बताएं, सर का क्या एक्सपीरियंस है? मेरा नाम हनीश वर्मा है और मेरी बेटी थर्ड क्लास में पढ़ रही है अभी, उसका नाम हर्षिता है। और अच्छा लगा सर आपका सेमिनार देख के, कि जो आप बच्चों का माइंड जो डेवलप करेंगे उससे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे टाइम में तो ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो हमें आज तक नहीं पता लग पाया कि हम कहाँ तक कहाँ जाएंगे और कहाँ क्या कंप्लीट पीरियड में किसके लिए बने हैं, आज तक नहीं पता लग पा रहा है। लेकिन हमारे बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो मेरे लिए तो बेटर है। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। सर ने कहा कि अभी हमें तो आज तक पता नहीं लग पा रहा है कि हम बने किस चीज़ के लिए हैं, तो अभी अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अंत अभी हो गया, अभी मैं विपुल सर से आग्रह करूँगा जिन्होंने सेमिनार लिया, उनसे भी पहले हमारे सर साथ में हैं जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, सारा टीम यही संभाल रहे हैं, यहाँ पर सारी क्लासेस सर ही कंडक्ट करेंगे। तो सर का क्या एक्सपीरियंस रहा? हमारा सपोर्ट सर को पूरा है ही, तो सर का एक्सपीरियंस जानते हैं प्लीज़। थैंक यू विनीत सर। आज जैसा कि आप सभी लोगों को बताया ही जा रहा है कि डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा में आज हमने सेमिनार किया। सबसे पहले मैं मिस्टर सुनील जी, जिनको हम संटू जी के नाम से भी जानते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये परमिशन दी हमें सेमिनार करने की। एंड उसके बाद टीम 360 का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे यहाँ हिमाचल में आके उन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स को देने के लिए पेश किया है। एंड आज का सेमिनार बहुत ही अच्छा रहा है, और जैसा कि मैं तो जानता ही हूँ, पेरेंट्स भी शायद अब जान ही गए हैं कि दोनों प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और मैं तो झेल चुका हूँ, क्योंकि 18 साल में एक ऑटोमोटिव फील्ड में जॉब करने के बाद फ्रस्ट्रेशन आई और मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर इस काम में घुस गया, तो मैं तो भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का। तो ऐसी सेम सिचुएशन किसी बच्चे के साथ आगे चल के ना हो, इसके लिए ही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विपुल सर से आग्रह करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा। ऑलरेडी सेशन ले चुका हूँ तो अनुभव बहुत अच्छा है। वैसे भी पेरेंट्स के पॉइंट से बताऊँ, हिमाचल वालों की वैसे मैंने बहुत तारीफ़ करी है कि बहुत ईमानदार ऑनेस्ट होते हैं, उनकी तारीफ वैसे भी बहुत सुनी है और बिल्कुल वैसा ही पाया है। बच्चों का तो समझ आता है, यहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मैंने कहा यार बड़े सिंसियर मेच्योर लोग हैं, एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चे भी वैसे ही हों ताकि हमारे को ईजी रहे। खैर, हम लोग पूरा प्रयासरत हैं, यहाँ पे बहुत जल्द प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, और जितने भी लोग व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए मुकेश जी यहाँ पे आए, पेरेंट्स आर टेकिंग इनिशिएटिव, ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं, स्कूल के डायरेक्टर प्रयास कर रहे हैं,
जितने लोग देख रहे हैं ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का प्रोग्राम इस एडमिशन कराएं इस प्रोग्राम में। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि देखिए बार बार चांसेस आते एक आ जाए उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं सेकेंड टाइम मिले। 8 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, हिमाचल में अभी तक हम ला ही नहीं पाए, अब आ गए तो एटलीस्ट अभी लाभ ले लें, हो सकता है उसके बाद मुलाकात ही नहीं हो। तो क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं हमारे जो इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ डायमंड जो स्कूल है हम इसको ग्राउंड बनाने वाले हैं, बोले तो इसको बेस बनाने वाले हैं कि यहाँ से इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए जितने भी हिमाचलवासी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस बात को अच्छे से अपने आप क्लियर इस बात को समझ लें कि हम यहीं पर ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जितने भी बच्चे अदर स्कूल्स के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराएँ, और जो कोई भी आना चाहता है यहाँ संतू जी से संपर्क कर सकता है, मुकेश जी से कर सकता है, नीचे लिंक में हम इनके नंबर जरूर दे देंगे ताकि आप डायरेक्ट संपर्क कर सकें। कोई हेजिटेशन हो, कई बार लोग कॉल नहीं कर पाते, तो ये व्हाट्सअप नंबर भी हम दे देंगे ताकि आप व्हाट्सअप पे अपना मन का मैसेज लिख दें, जो भी आपको पूछना जानना है हम उसमें आपकी हेल्प कर सकें। आप सभी ने इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं